तो गाइज जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 20 नवंबर को मैंने एक पोस्ट मैंने अपडेट करा था, आप देख पा रहे होंगे गाइज। और ये जो पोस्ट है वो गूगल में इंडेक्स हो चुका है, और मैंने किस तरह से मैंने इंडेक्स कराया है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिसके मदद से आप जो भी आप पोस्ट अपडेट करते हो वर्डप्रेस में वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कोई एपीआई मेथड नहीं है गाइस, मैं पहले आपको बता दूँ, ये डिफरेंट मेथड है। तो गाइस वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना। उससे पहले गाइस एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, ये चैनल जो ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है एसईओ स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस में बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर एसईओ के वीडियोस आपको मिलती रहेगी, और वो भी डेली बेस पे। तो गाइस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और गाइस नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और उसके साथ में गाइस जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो है मैं आपको पहले प्रूफ दिखा दूँ, उसके बाद ही वीडियो को जो है स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 20 नवंबर 2022 को मैंने एक पोस्ट मैंने पब्लिश करा था एसईओ स्मार्ट की में, और उस पोस्ट का जो कंटेंट था वो है फॉरम सबमिशंस के ऊपर। आपको डेट यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने 20 नवंबर को मैंने अपडेट करा था, और मेरा जो कंटेंट है वो 21 नवंबर 2022 को शाम के 6 बजे के आसपास मेरा जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो गया था। और उसके साथ साथ आज है 22 नवंबर को जो है मेरी जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली रैंकिंग करना भी स्टार्ट हो गया, रैंकिंग आना स्टार्ट हो चुका है, मीन्स थर्ड पेज पे, सेकंड पेज पे, फोर्थ पेज पे। तो गाइज इंडेक्सिंग, जब तक आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगा तब तक आपकी रैंकिंग नहीं आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इंडेक्सिंग कैसे कराई है। तो गाइज इंडेक्सिंग कराने के लिए मैंने कोई भी एपीआई मेथड मैंने यूज़ नहीं करा, कोई भी टूल मैंने यूज़ नहीं करा, मैंने सिंपली मैंने क्या करा वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। जनरली लोग क्या करते हैं आप सब के सब, और मैं भी यही करता हूँ कि साइड मैप अपडेट करता हूँ और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे डाल देता हूँ। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और करा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्सेल शीट में कुछ साइट्स आपको दिख रहे होंगे, ये साइट्स मैंने अपडेट करे हैं वर्डप्रेस के बैकएंड में, जिससे क्या होगा कि जब जब कोई भी पोस्ट मैं अपडेट करूँगा वर्डप्रेस क्या करेगा ऑटोमेटिकली इन वेबसाइट पर पिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जनरली क्या हम पिंग सबमिशन करने के लिए एक एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, अभी आपको ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये साइट्स को आपको बस कॉपी करना है, और आपको बस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको जाना है, और वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स में जाके, वहाँ पे जो है रीडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, सॉरी राइटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ वेबसाइट्स अपडेट करे हुए हैं। और गाइज आप ऊपर देख पा रहे होंगे एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ अक्षर में लिखा गया कि जब जब आप पोस्ट को पब्लिश करोगे ये जो साइट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इन साइट्स पे जो है पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ साइट्स मैंने अपडेट करवा, मैं एक काम करता हूँ ये साइट्स को हटा के जो है ये आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट 50+ साइट्स होंगे, इस साइट्स को मैं जो है यहाँ पे कॉपी करता हूँ। आपको भी यही चीज़ आपको फॉलो करना है, और उसके बाद आप देखोगे कि आपका कोई भी पोस्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने 20 नवंबर को पोस्ट लिखा था, और 21 नवंबर शाम के 6 बजे के आसपास मेरा पोस्ट इंडेक्स हुआ था, और 22 नवंबर को मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 22 नवंबर को रैंकिंग आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस कभी भी क्या होता है, कभी कभी 1 घंटे में इंडेक्स होता है, कभी 2 घंटे में इंडेक्स होता है, कभी कभी 2-3 दिन के बाद इंडेक्स होता है। अगर आप अगर प्रॉपर ऑन पेज करोगे तो आपकी जो पोस्ट होगा वो जल्दी इंडेक्स होता है। तो गाइस यहाँ पे बस आपको बस करना क्या है, आपको बस साइट्स को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। अब मैं आपको बता दूं कि साइट्स आपको मिलेंगे कैसे, कि आपको किस तरह से आपको मिलेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको क्या करना होगा, सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख पा रहे होंगे 50+ फ्री पिंग सबमिशन साइट है, ये वाला लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप सबसे नीचे जब जाओगे तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने गूगल डॉक का लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसको आप ओपन कर लेना न्यू टैब में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सारे लिंक्स आपके पास आ जाएंगे, 50+ लिंक्स होंगे, ये सारे लिंक्स को आप कॉपी कर लेना। कॉपी करके जो है वर्डप्रेस के सेटिंग्स में जाके, राइटिंग वाले सेक्शन में जाके आप अपडेट कर देना। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेज मिला होगा। अगर हल्का से भी नॉलेज मिलता है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा गाइस जो भी जिस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो तो गाइस जल्दी से कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं उस टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियोज बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस।